साथियों, मैं इस मनावर पर पावन धरा से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि भले आप बहनों के भाई नहीं होंगे, भाई को तो आपने निपटा दिया, हटा दिया उसको, ठीक है, लेकिन आप न्याय करिए, महिलाओं के साथ न्याय करिए, उसको संबल दीजिए, वो परेशान है। सुनने में आया कि वो जो मैडम है वो आत्महत्या करने तक को तैयार हो गई, इतनी प्रताड़ित। साथियों, क्या इस प्रदेश का शासन, क्या अगर उस महिला अधीक्षिका का अगर शव लटका हुआ हुआ तब जाता, क्या वो पाईजंती के अस्पताल में पड़ी रहती तब जाता, क्या वो जाने अनजाने में कुछ घटना कर लेती, उसकी मौत हो जाती, उसका परिवार विलाप करता तब जाता? अरे हे कौन वो, क्यों उन्हें गिरफ्तार कर रहे हो? अगर हमारे दबे कुचले समाज का कोई व्यक्ति होता, यहाँ तक कि बीजेपी का कार्यकर्ता अगर नहीं होता, तो अभी तक पुलिस उसको उठा के कोर्ट भी देते, सूद भी देती, धाराएं भी बना देते। मैं अभी गेट के अंदर आ रहा था, माननीय मंडोई जी वहां पे ड्यूटी में, उनको मैंने बोला रोड चल रहा है थोड़ा साइड में रोक के उतर जाता हूं, तो उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सुना दिया। मैंने भी बोला भाई बीजेपी के नेता की गाड़ी होती तो आपकी हिम्मत होती इतनी? अरे हिम्मत करिए, अगर आपके बीजेपी के नेता भी गलत कर रहे हैं, आप हिम्मत करिए। अगर आपके साथ शासन प्रशासन नहीं है, एक बार हमको याद करिए, सीना ठोक के आपके साथ खड़े रहेंगे। क्यों करते हो आप इन लोगों से? डरने की आवश्यकता नहीं है, हम तो उस कौम से आते हैं जहाँ पे डरना नहीं सिखाया जाता है, लड़ना सिखाया जाता है। और हमारे रगों में जो खून दौड़ता है, जिस कौम से हम लोग आते हैं, हमारे रगों में लड़ने वाला खून दौड़ता है, लड़ने वाला खून नहीं है। इसलिए निवेदन है भाई, आप जब यहाँ पर पोस्टेड होते हो, जेल में आते हो, संविधान की कसम खाते हो, मैं किसी पक्षपात नहीं करूंगा, क्यों करते हो फिर? क्योंकि ट्रांसफर हो जाता है, उनको परेशान किया जाता है। लेकिन मैं आज पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपकी समस्या कोई नहीं सुनता है, आपको कोई छुटपिया नेता परेशान करता है, बिल्कुल हमको याद कीजिए, जैसे उस पुलिस अधीक्षिका के लिए हम लोग बैठे हैं, आपके लिए भी हम धरना करेंगे। आपकी आवाज भी हम उठाइए, आप ताकत दिखाइए, आप हिम्मत दिखाइए। इनकी औकात क्या है किसी पुलिस वाले को डराने की, किसी टीआई को डराने की, किसी चौकी प्रभारी को डराने की? और मैं माननीय एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि उसने उस छुटभिया नेता ने आपको चैलेंज किया है, उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, उसको तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे आप लोग? किसका दबाव है आप पे? अगर माननीय एसपी साहब, माननीय टीआई साहब अगर इस बात को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं, तो उन पर भी एक सवाल निशान खड़ा होता है कि आपकी कार्रवाई में पक्षपात है, आपकी कार्रवाई में भेदभाव है। आज अगर कोई आम व्यक्ति होता, आज अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता, तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाती, ये गलत बात है। हम लोग न्याय पसंद लोग हैं, वहां पे छोटी छोटी बच्चियां रहती है, बच्चों के पालक हमको बताए कि वो बच्चा परेशान है, वो गाड़ी लेके घूमता रहता है। जितने भी पालक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपकी बालिका को कोई परेशान करता है, अभी आप हमारे नंबर लेना, हमारे कार्यकर्ता बताना, हम आधी रात को आएंगे आपके पास। अरे हम जंगली लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, शेर से कैसे सामना करना होता है, भेड़ियों से कैसे सामना करना होता है, हमको अच्छी तरह आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। साथियों, हम न्याय पसंद लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, वरना हमारे न्याय अलग होता था। हमारे पूर्वजों का इतिहास उठाकर देख लो कि हमारे पूर्वज कैसे फैसला करते थे। साथियों, आप सब जितने भी यहां पर लोग न्याय के लिए आए, चाहे वो एससी समाज के, एसटी समाज के हो, अन्य समाज के, सामान्य समाज के जितने भी लोग आए हैं, सभी बधाई के पात्र हैं, और सभी को एकजुटता होना चाहिए। एक समाज की बात नहीं है, सर्व समाज की बात है। ये चिंता करते हैं पुलिस वालों के पास, उनकी भी मजबूरी है, हम समझते हैं,
उनके पास कोई बात जाती है तो पहले तय करते हैं कि बीजेपी का है कि कांग्रेस का है कि जयस का है। कौन सी बात है? चश्मा भी अच्छे नंबरों का उनके पास बिल्कुल। मेरे को आज कर रहे थे, उनको समझ नहीं पड़ा कि मैं कौन कौन हूं, मैं तो हर पार हूं। तो ये चीज नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप चेहरे देख के तिलक मत लगाओ, अगर आपने आरती सजाई तो सबको टीका लगाओ, 10 रुपए सब साल का, क्या तकलीफ है? लेकिन इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश में लगा था एक सामान्य कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया गया, हमको भी खुशी हुई, अच्छा लगा। लेकिन किस प्रकार से निचले स्तर में जो समस्या सामने निकल कर आई है, आज पुलिस प्रशासन को भी लगा, इनको लगा कि मध्य प्रदेश में सुशासन की व्यवस्था हो गई, हमको कार्रवाई करना चाहिए, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद आई थी घर के साथ कौन से सोच आयो, पता नहीं कितने नेताओं का फोन आते हैं, टीआई साहब शायद ही चेंज की नींद दे रहे होंगे, कितना उनको परेशान किया जा रहा होगा, एसपी साहब को कितना परेशान किया जा रहा होगा, एसडीपी साहब को कितना परेशान किया जा रहा है। मैं एसपी साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं, साहब अगर आपकी दबाव में हो, आपको भी अगर कोई डर रहा है, बताओ जिले मुख्यालय पर आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार है, हम वर्दी के साथ है, हम खाकी के साथ है, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जो सही है उसको सही बोलो, दिन है तो दिन बोलो, रात है तो रात बोलो। आप दोपहर के समय में यह मत बोलो कि अब काम के रात की 8:30 बज गई, जो समय है वही वही निवेदन है हमारा। साथियों ये लड़ाई हमारी आखिरी तक चलती रहेगी। मैं सम्मानित टीआई साहब से निवेदन करने आया है कि महोदय आपसे एक निवेदन है, हमारी बच्चों की परीक्षा सर पर है, उसको गिरफ्तार किया जाना बहुत ही आवश्यक है। वो मंडरा रहा है, अभी सुनने में आया कि वो सिंगाना चौकी पर चौकी के आसपास ही घूम रहा है। तो निवेदन है आपके फोर्स के साथ, हमारी फोर्स भी कहो तो हम लोग ले चले, लेकिन उसको पकड़ो, उसको अंदर करो, हम भी आपके साथ आते हैं। वो भागेगा तो हम भी पकड़ लेंगे, दोनों में हम भी एक्सपर्ट है। इसलिए समय को देखते हुए माननीय कलेक्टर साहब सरदारपुर में दौरे पे आए, स्कूल में गए, सेमराज स्कूल में गए, वहां पर पता चला कलेक्टर साहब को कि जो बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे, कलेक्टर साहब सीधे उनके घर गए और उनको बताया घर वालों को कि बेटा बोर्ड की एग्जाम है, अब स्कूल जाओ पढ़ाई करो। जब कलेक्टर साहब गंभीर है तो एसपी साहब को भी गंभीर होना चाहिए। भविष्य का सवाल है, हम लोग बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, एक महिला को राष्ट्रपति तक बना देते हैं, लेकिन सिंगाना में जो बच्चा परेशान हो रही है उनकी ओर देखने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय साहब से, माननीय एसडीपी साहब से, माननीय एसपी साहब से कि आप निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कीजिए। आपने जो एफआईआर की, आपने जो जांच करके एफआईआर की, मैं सभी जितने लोग बैठे उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस त्वरित कार्रवाई उसके लिए पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाए। लेकिन एक दुख इस बात का है कि एफआईआर होने के बाद एक्ट्रोसिटी एक्ट कोई मामूली धारा नहीं है, लेकिन उस धारा को मजा बना दिया गया, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होना हो जाना चाहिए। मैं मनावर टीआई साहब से, मैं चौकाई चौकी प्रभारी सिंगाना से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सर उसको आज के दिन में गिरफ्तार अगर नहीं किया गया तो अभी तो हम लोग कुछ लोग आए खाली एक मैसेज करने की देर है, फिर वो मंडोई साहब भी नहीं संभाल पाएंगे व्यवस्था। तो निवेदन है हम लोग